Nord 3 5G इसकी पूरी एक घंटे की गेमिंग टेस्टिंग करने वाले हैं, पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हमारा बॉक्स जो है अनबॉक्स हुआ, कुछ मैनुअल्स मिलते हैं, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, इसको रखते हैं साइड में। ये हमारा फोन रहा, साइड में रख लेते हैं। इसके बाद आपको 80 वॉट का फास्ट चार्जर इसमें मिल जाता है, और केबल की बात करो तो टिपिकल रेड केबल मिलता है जो कि OnePlus वाले देते हैं। ऑब्वियसली यूएसबी टाइप सी है। तो अब ये सब साइड कर लेते हैं, मोबाइल फोन पे आते हैं अपने। और स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो डिस्प्ले इस पे आपको 6.67 इंचेस का मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करूं तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9000 मिलता है, और उसके बाद आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बट गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा निकाल के देता है वही पता लगाएंगे इस वीडियो में। तो ये रहा हमारा टाइमर, फोन को स्विच ऑन करते हैं। 1 2 3 25 सेकंड में ऑन हो गया। यहाँ पर बैकग्राउंड के सारे ऐप हमने क्लोज कर दिए। 100% बैटरी है इसमें अभी। और टेम्परेचर की बात करूँ तो देख सकते हो टेम्परेचर इसमें आपको अभी 31 के अराउंड, विच इज रूम टेम्परेचर। जल्दी से गेमिंग स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग, देखते हैं पबजी कितनी जल्दी ऑन होता है। तो 1 2 और 3 ऑन हो गया है 25 सेकंड में। अभी हम सारे गेमिंग मोड को ऑन कर लेते हैं। देखो प्रो गेमर मोड यहाँ पर है, इसको ऑन कर लिया जाए। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग गेम। ग्राफिक सेटिंग्स में आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो है अल्ट्रा एचडी का सपोर्ट है, बट अभी हम लोग स्मूथ पे एक्सट्रीम खेलेंगे। एफपीएस देख सकते हो आप, 60 एफपीएस के अराउंड है अभी। ये बैठा हुआ है निकल तू, मर गया ये, गुड बाय ब्रो। अरे यार रीलोड, अरे मेरे दोस्त को मारते हो। मैं ही मर गया, जरा भी सांस नहीं बची है। ये मुझे मारने आ गया, गुड बाय। ओह शिट यार, आजा आजा आजा। मेडल, बैटरी देख सकते हो 94 हो गई है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो कैमरा के पास जो है 39 चला गया है, ये नीचे आप देख सकते हो 38.9 20 मिनट की गेम में। अब थोड़ा सा हम लोग जो है सेटिंग्स बढ़ाते हैं। तो अल्ट्रा एचडी कर दी हमने, और अल्ट्रा एचडी पे हल्का हल्का जिटरी फील आ रहा है। वैसे जितना पहले स्मूथ था उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है अभी। अच्छा वैसे एक चीज होती है, अगर आप गेमिंग कर रहे हो और हल्का जो है जिटरी या फिर लैगी एक्सपीरियंस आ रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। मैं मारूंगा, रीलोड कर रहा था उधर जाके। अभी आप एफपीएस देख सकते हो 38-40 हो गया है जब मैंने अल्ट्रा एचडी किया। नाचो, ओ रेड टीम जीत गई यार। अब हम इरेंगल खेल लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर ली, और यहाँ पर हम लोग लैंड किए हैं अभी, मतलब जरा भी लैग वैग नहीं किया है। बंदा छुप के बैठा है, आधा घंटा हो गया आपको टेम्परेचर और बैटरी बता देता हूँ। 90% बैटरी हो गया है, 42 चला गया है कैमरा के पास, 42.1 हो रहा है, तो हीटिंग तो कर रहा है यार। अभी देखते हैं एक घंटे बाद कैसा ये रिस्पांस मिलता है। हेलो भाई कैसे हो, अपना काम कर रहा? आ जाओ जरा, चलो चलो ले चलता हूँ तुमको। काफी ज्यादा हीटिंग फील हो रही है अभी, लिटरली डिस्प्ले पे पता चल रही है इसकी हीटिंग। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत कम हो गई, देख सकते हो तो फुल है, और कितनी कम हो गई यार, मतलब खेलने लायक भी नहीं बची है भाई। देख सकते हो इतना ही फुल हो रहा है, 40 मिनट ही हुए हैं अभी तक से। येरा, मारो। बैटरी 85 हो गई है। टेम्परेचर आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, कैमरा के पास देख सकते हो 45.1 हो गया है, और मिडिल में आपको जो है 43 मिलता है, और डिस्प्ले पे भी काफी फील हो रहा है। तो डिस्प्ले पे एक बार देख सकते हैं, 42 हो गया है। ओ भाई, खत्म। बहुत ज्यादा स्क्रीन डार्क हो गई है यार, जरा भी मजा नहीं आ रहा मुझे खेलने।
तो दोस्तों बहुत ज्यादा हीट कर रहा है, मैं खेल नहीं पाऊंगा, बैटरी भी इसकी कम हो गई है, आंखों पे स्ट्रेस पड़ रहा है मेरे। एक घंटे गेमिंग हमने वैसे कर ही ली है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। 100% से स्टार्ट किया था, 75 हो गया इसका बैटरी अभी, और टेम्परेचर की बात करूं 42.5 के अराउंड टेम्परेचर जा रहा है कैमरा के पास, और मिडिल में यहाँ पर आप देख सकते हो 42.6 ओवर हीटिंग ये कर रहा था यार। डिस्प्ले पे भी हीटिंग पता चल रही है इसकी, और सबसे बड़ा कौन ये रहा कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस इसकी कम हो गई और परफॉर्मेंस जो है मतलब ठीक ठाक। अगर बात करूं 33,000 में OnePlus Nord 3 लेने की गेमिंग के लिए, तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी से निकल के नहीं आ रही थी। हमने Poco F5, iQOO E7 दोनों को टेस्ट किया था, इसी प्राइस रेंज में मिलते हैं, इन दोनों में जो है उतना ज्यादा इशू नहीं मिला, बट ये फोन कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आप नॉर्मल यूजर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो टेकूब मेन चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देखो, गेमिंग के लिए डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। इतना था इस वीडियो में गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।